थैंक यू सर. सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है. अब हम इससे पहले पॉलिटिकल नहीं थे. ये थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल क्वेश्चन है सर. इंडिया अलायंस का ये नारा था, वोट फॉर इंडी, सेव इंडिया और सेव भारत और समथिंग लाइक दैट. सर ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, उनका जो अलायंस था वो. यहां पर भी महाराष्ट्र में भी ऑपोजिशन की कोई खास अच्छी स्थिति है नहीं. लोगों को ऐसा लगता है कि अंडर प्राइम मिनिस्टर सर बीजेपी ने ऑपोजिशन को खत्म कर दिया और फिर लोग उसे कनेक्ट करते हैं कि बीजेपी इज नॉट अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी. अब ये बीजेपी का रोल है क्या ऑपोजिशन को जिंदा रखना? एंड सेकेंड, इज इट ट्रू इफ यू किल ऑपोजिशन इज देयर नो ऑपोजिशन? वन एंड सेकेंड, इज दिस अ ब्लॉट ऑन आर डेमोक्रेसी? पहली बात तो जो इंडिया अलायंस की बात आपने कही, तो हमारे एक बहुत अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ है, विश्लेषण जो करते राजनीति का, भाऊ तोरसेकर जी. तो भाऊ तोरसेकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है. उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया अलायंस है इसलिए नहीं चलने वाला कि यहाँ सारे इंजन है, कोई बोगी है ही नहीं, तो लोग बैठेंगे कहाँ. और मोदी जी मजबूत इंजन लेकर इतनी बड़ी ट्रेन लेकर निकले कि जिसको जिसको बैठना है उसके लिए बैठने की जगह है. तो इसलिए ये इंडिया अलायंस चलेगा नहीं, ऐसा जो भाऊ तोरसेकर जी ने कहा था, मुझे लगता है वो आज हमको यथार्थ में देखने को मिलता है. सारे इंजन अपने अपनी दिशा में जा रहे हैं, कोई कोहेरेंट इस प्रकार की ट्रेन हमको दिखाई नहीं पड़ती है. और देखिए, मैं ऐसा मानता हूं और हम सभी मानते हैं, क्योंकि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन में काम किया है, तो डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना ये जरूरी भी है. और उसके अपोजिशन की जो आवश्यकता है, उसका जो महत्व है, इसको हम एक्नॉलेज भी करते हैं. लेकिन आज के अपोजिशन में और जिस समय हम अपोजिशन में थे, इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि हम भले ही अपोजिशन में बैठे, लेकिन हमने इंडिया फर्स्ट की नीति को कभी छोड़ा नहीं. हमने चुनकर आने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे इस प्रकार की परिस्थिति को कभी स्वीकारा नहीं. हमने एक प्रकार से जिसको अराजकता कहते हैं, ऐसे अराजकता का माहौल तैयार करके हम सरकार को नीचे लाए, इस प्रकार की व्यवस्था हमने कभी कायम नहीं की. आज मुझे तो इस बात का दुख है कि कांग्रेस जैसी पार्टी ये अपोजिशन में जाने के बाद जिस प्रकार से डिसइंटीग्रेट हो रही है, उसके कारण जो वैक्यूम तैयार हो रहा है, उस वैक्यूम को ऐसे लोग भर रहे हैं कि जिनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता है. तो पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्य